बैक टू वंदनाज आर्ट इम्प्रेशन। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज मैं फिर से लेके आई हूँ मधुबनी पेंटिंग की एक न्यू ट्यूटोरियल, लेकिन थोड़ी ये यूनिक ट्यूटोरियल है क्योंकि मैंने आपके साथ अक्सर छोटी से बड़ी पेंटिंग आपके साथ तैयार किया है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना कमीशन वर्क आपके साथ शेयर करूँ, आपकी इस पेंटिंग को शेयर करूँ। मैं पहले आपको पेंटिंग दिखा देती हूँ। ये मैंने राम सीता के विवाह की पेंटिंग तैयार की है जो बहुत ही सुंदर है। अगर आप बिगनर्स हैं और चाहते हैं कि एक बड़ी पेंटिंग तैयार करें किसी को गिफ्ट देने के लिए या अपने वॉल को डेकोरेट करने के लिए, तो आपके लिए ये पेंटिंग ट्यूटोरियल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी, क्योंकि पूरी डिटेल के साथ मैंने इस पेंटिंग को तैयार किया है। साथ में बहुत सारे टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं जी, जब आप बड़ी पेंटिंग तैयार करते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम आपको आपके सामने आती है। साथ में आप बहुत सारी ऐसी टिप्स होती हैं जो पेंटिंग तैयार करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए, कौन सी पेंटिंग बड़ी पेंटिंग में ज़्यादा सुंदर लगेगी, सारी टिप्स मैंने आपके साथ इस ट्यूटोरियल में शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ ये पेंटिंग ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत ही चला जाए। इस पेंटिंग ट्यूटोरियल को मैंने दो पार्ट में रखा है। पहले पार्ट में मैंने ड्राइंग पार्ट को रखा है, दूसरी पार्ट को मैंने कलरिंग पार्ट को रखा है, जिससे आपके साथ पूरी डिटेल के साथ ये पेंटिंग ट्यूटोरियल शेयर कर सकूं। तो चलिए आज की पेंटिंग ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इस पेंटिंग को तैयार करने के लिए मैंने 300 GSM की सीट ली है जिसका साइज़ है 1.5 by 2। आप चाहे तो 200 के GSM की सीट भी ले सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग बॉर्डर तैयार करेंगे। यहाँ मैं बॉर्डर के लिए बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। जैसा कि आप जानते हैं बॉर्डर लाइन डबल लाइन में होती है मधुबनी पेंटिंग में, इसलिए मैं यहाँ डबल लाइन में बॉर्डर तैयार करने के लिए बॉर्डर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए मैंने बॉर्डर लाइन तैयार कर लिया है। अब मैं बॉर्डर बनाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ मैं ज़िगज़ैग पैटर्न ले रही हूँ। इक्वल साइज़ के पैटर्न बने इसलिए मैंने यहाँ पे 1 inch का डॉट लगा दिया है। उसके बाद ये मैं पैटर्न तैयार कर रही हूँ जिससे ये इक्वल साइज़ के मुझे मिल रहे हैं। अब मैं डबल लाइन दे देती हूँ जिससे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाए। डबल लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं इसमें स्क्वायर बना रही हूँ। जब भी मधुबनी पेंटिंग के बॉर्डर में ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स दिया जाता है तो इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाती है, एक यूनिक बॉर्डर तैयार हो जाता है। अब मैं इसे डिटेलिंग देना स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ मैं फ़ाइन लाइन से फिल कर रही हूँ। जब भी आप फाइन लाइन्स डालें तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि फ़ाइन लाइन्स एक दूसरे के काफ़ी करीब हो। जितनी बारीक फाइन लाइंस आप देंगे इसकी खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। कुछ फ्लावर्स पैटर्न्स भी मैं डाल रही हूँ जिससे ये बॉर्डर और भी सुंदर होते जा रहे हैं। जब भी आप किसी बड़ी पेंटिंग को तैयार करते हैं तो बॉर्डर पे बिल्कुल ख़ास ध्यान दे कि बॉर्डर काफ़ी आपकी चौड़ी होनी चाहिए, और ये डबल या ट्रिपल हो तो बहुत ही सुंदर लगेगी। इसलिए मैं यहाँ पे डबल बॉर्डर बना रही हूँ। पहली बॉर्डर लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद मैं सेकंड बॉर्डर को एकदम ईजी पैटर्न ड्रॉ कर रही हूँ, जो जिससे आप ईज़िली इसे ड्रॉ कर सकें। अब यहाँ जो मैंने फ्लावर बनाया है उसके बैकग्राउंड को मैं ब्लैक कर देती हूँ जिससे इससे फ्लावर पेटल्स से उभर के दिखने लगे। इस तरह ये बॉर्डर मेरी तैयार हो गई है जो बहुत सुंदर लग रही है, लेकिन अब इसे कलर करना बाकी है।
तो मैं यहाँ पे कलर करने के लिए यहाँ पे मैं कैमल का एक्रेलिक आर्टिस्ट एक्रेलिक कलर ले रही हूँ। ये ट्यूब वाली एक्रेलिक पेंट है, आप चाहे तो बॉटल वाली एक्रेलिक पेंट भी ले सकते हैं। यहाँ मैं 2 ब्रश ले रही हूँ, 0 और 4 नंबर के ब्रश मैं यूज़ करूँगी। तो अब कलर करना स्टार्ट कर रहे हैं। कलर के लिए मैंने ऑरेंज चूज़ किया है, आप रेड ब्लू ग्रीन कोई भी कलर आप चूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब भी कलर चूज़ करें इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें कि कलर जो भी चूज़ करें वो ब्राइट होनी चाहिए। लाइट कलर तो बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग में कलर कभी भी लाइट कलर यूज़ नहीं किया जाता, ब्राइट कलर यूज़ किए जाते हैं। जैसे मैं यहाँ रेड ऑरेंज यूज़ कर रही हूँ, और दूसरे बॉर्डर में मैं चटकीले येलो को यूज़ कर रही हूँ, जिसे आप लेमन येलो कह सकते हैं। उसके बाद मैं डार्क ग्रीन यूज़ करूँगी, तो ये बॉर्डर बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह बॉर्डर तैयार हो जाने के बाद बहुत ही सुंदर लगने लगी है। अब मैं बीच में राम सीता और विवाह में सम्मिलित होने वाले लोगों की ड्राइंग तैयार करूंगी। सबसे पहले राम जी की ड्राइंग तैयार करने के लिए मैंने लाइट पेंसिल लिया है। अब मैं यहाँ एल शेप ले रही हूँ, उल्टा एल ले लेते हैं। उसके बाद डबल सी बना के मैं फेस तैयार कर रही हूँ। उसके बाद फेस तैयार करने के बाद मैं बॉडी तैयार करूँगी। अगर आपको फेस तैयार करने में या ह्यूमन फिगर तैयार करने में, मधुबनी पेंटिंग में कैसे ह्यूमन फिगर तैयार किया जाता है इस बात में प्रॉब्लम होती है, तो आप आई बटन को क्लिक कर लीजिए। वहाँ मैंने एक वीडियो डाल दिया है जिसमें फुल डिटेल से मैंने बताया है कि ह्यूमन फिगर मधुबनी पेंटिंग में ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है। मुझे लगता है कि अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। उस ट्यूटोरियल में मैंने पूरी डिटेल के साथ ह्यूमन फिगर कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर आप बिगनर्स हैं और कभी ड्राइंग तैयार नहीं किया है ह्यूमन का, तो आप उस वीडियो देखने के बाद आप आराम से एक ह्यूमन फिगर तैयार कर सकते हैं। किसी भी फोक आर्ट के लिए जो ह्यूमन फिगर लिया जाता है वो आप आराम से तैयार कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। इस तरह ह्यूमन फिगर राम जी का तैयार हो जाने के बाद मैं यहाँ पे मुकुट बना रही हूँ। अभी आउटलाइन दे देते हैं, डिटेलिंग का वर्क हम लोग बाद में करेंगे। जब सीडी मार्कर से मैं इसे कंप्लीट कर दूंगी तो उसके बाद फिर डिटेलिंग करेंगे। अब हम लोग सीता जी के फेस को ड्रॉ कर रहे हैं। एल शेप लेने के बाद डबल सी बनाने के बाद मैं ये फेस तैयार कर रही हूँ। उसके बाद मैं घूंघट बना रही हूँ सीता जी की। ऐसा माना जाता है कि मिथिला पेंटिंग या मधुबनी पेंटिंग की शुरुआत राम और सीता जी के विवाह से ही प्रारंभ हुई थी। जब राम जी ने विवाह का प्रस्ताव सीता जी के लिए राजा जनक, जो मिथिला के राजा थे, के पास भेजी थी, और उनके विवाह के की तैयारी के लिए राजा जनक ने मिथिला के सभी वासियों को आदेश दिया कि मिथिला नगरी ही को इस तरह सजाया जाए जिससे मिथिला नगरी के की संस्कृति का की झलक मिल सके। इस तरह मिथिला नगरी के वासियों ने अपने घरों की दीवारों पर इस तरह की पेंटिंग तैयार की जो आगे चलकर बिहार और मिथिलांचल प्रदेश का फोक आर्ट माना जाने लगा। फोक आर्ट होने के बाद भी इसे वो ख्याति नहीं मिल पा रही थी। विलियम आर्चर वो शख्स हैं जिससे मधुबनी पेंटिंग को एक ग्लोबलाइजेशन मिला। इस तरह सीता जी की ड्राइंग कंप्लीट हो जाने के बाद अब कुछ और ह्यूमन फिगर तैयार करेंगे। जैसे मैं यहाँ राजा जनक की को तैयार कर रही हूँ। उसके बाद कुछ और लोग जो विवाह में शरीक हो रहे थे, मैं उनकी फिगर तैयार करते हैं। तो इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जो ह्यूमन फिगर तैयार कर रहे हैं वो भी काफ़ी बड़ी हों, और साथ में डिटेलिंग पे ध्यान देना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब
भी होता है और आसानी से आप डिटेलिंग की वर्क कर सकते हैं, डेकोरेशन कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ पैटर्न्स, जैसे कपड़ों में पैटर्न्स डाल देते हैं, अगर ऐसा नहीं करते हैं और सिर्फ पेंट करके पूरी पेंटिंग तैयार करते हैं तो ये पेंटिंग उतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए जब भी बड़ी पेंटिंग तैयार करें तो बहुत सारे पैटर्न यूज़ करें, जैसे कपड़ों पे पैटर्न्स डाल सकते हैं, वॉल पे डाल सकते हैं, जो बैकग्राउंड होता है उसमें पैटर्न्स डाल सकते हैं, जिससे इस पेंटिंग की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। इस तरह बहुत सारा ह्यूमन फिगर तैयार हो गया है। जैसे यहाँ मैं सुरक्षा गार्ड बना रही हूँ और बहुत सारी सखियाँ बना देती हूँ, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगने लगे। यहाँ खाली लग रहा है तो मैं कुछ और भी ह्यूमन फिगर ड्रॉ कर देती हूँ जो पीछे के साइड खड़े हों। जैसे मैंने यहाँ पे ऋषि का पिक्चर ड्रॉ किया। अब बैकग्राउंड के लिए मैं यहाँ पे पंडाल का लुक देना चाहती हूँ, इसलिए ये मैं सेमी सर्कल का पैटर्न डाल रही हूँ। उसके बाद इसमें डिटेल के साथ पैटर्न ड्रॉ करूँगी। उससे पहले मैं इसे कंप्लीट करने के लिए मैं सीडी मार्कर का यूज़ करूँगी। यहाँ मैं परमानेंट सीडी मार्कर से कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कंप्लीट कर लिया है और डबल लाइन भी दे दिया है। जैसा कि आप जानते हैं मधुबनी पेंटिंग में डबल लाइन देना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए डबल लाइन देने के बाद अब डिटेलिंग के लिए मैं सबसे पहले मुकुट पर वर्क करूँगी। यहाँ राम जी की मुकुट पे मैं बहुत सारे पैटर्न से इसे सजा देती हूँ, जिससे ये बहुत ही सुंदर लगने लगे। आप चाहे तो कोई भी पैटर्न्स का यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। वैसे तो मधुबनी पेंटिंग हैंडमेड सीट पे बनाई जाती है और निब का यूज़ किया जाता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हैंडमेड सीट का ही यूज़ करें। यहाँ आप वाटर कलर सीट जो काफ़ी थिक होती है, जैसे मैंने यहाँ पे 300 GSM की सीट का यूज़ किया है, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है एक पेंटिंग को तैयार करने के लिए। और इस तरह अब मैं सीता जी के कपड़ों को, पोशाक को मैं डिटेलिंग देने के लिए पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे मैं ब्लाउज़ पे वर्क कर रही हूँ, इसी तरह पूरी साड़ी को डेकोरेट कर दूँगी, क्योंकि ये दुल्हन है तो इन्हें डेकोरेट करने से ये बहुत ही सुंदर लगने लगेगी। जैसा कि आप जानते हैं सीता जी एक राजकुमारी थी, इसलिए उनके पोशाक भी बहुत ही डिटेलिंग वाले होने चाहिए। इसलिए मैं फुल डिटेल के साथ इस पिक्चर को तैयार करने की कोशिश कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस पेंटिंग को तैयार करने में या ड्राइंग बनाने में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं और भी इजी टिप्स आपके साथ शेयर कर सकूं, जिससे आपको कोई भी पेंटिंग मधुबनी की बनाने में कोई दिक्कत ना हो। इस तरह सीता जी की पेंटिंग तैयार हो जाने के बाद अब सखियों की ड्रेस को डेकोरेट करने के लिए मैं भी डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स का यूज़ कर रही हूँ। जब सारे पैटर्न्स कंप्लीट हो जाने के बाद ड्राइंग पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कलरिंग पार्ट के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिसमें पूरी डिटेल के साथ कलरिंग पार्ट बताया गया है और आगे की जो भी वीडियो है उसमें आप बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स जान सकते हैं जो मधुबनी पेंटिंग में काम आते हैं और कौन से इम्पॉर्टेंट बातें होती हैं जो मधुबनी पेंटिंग पे ध्यान देना चाहिए। तो सारी बातें मैंने दूसरी वीडियो में डिटेल के साथ बताया है, आप आई बटन पे क्लिक करके जा सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं।
इस तरह बहुत सारे पैटर्न्स मैंने ड्रॉ कर लिए और ऊपर ऐसे डेकोरेट कर लिया है, बस हल्की डिटेलिंग डाली है, ज़्यादा कुछ नहीं किया है। उसके बाद अब फुल डिटेल के लिए जो पंडाल मैंने तैयार किया है उसके लिए मैं यहाँ पे कमल के फ्लावर से तैयार कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि फ्लावर ऊपर से नीचे की ओर लगाए गए हैं और इसे डेकोरेट किया गया है। जो भी मैं पेंटिंग तैयार करती हूँ उसे आप देखना चाहते हैं तो मेरे एपी पेज पर विज़िट कर सकते हैं। मेरे एपी पेज का नाम है वंदना आर्ट एंड क्राफ्ट, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मैसेंजर के थ्रू अपनी पेंटिंग भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह मेरी डिटेलिंग लगभग कंप्लीट हो गई है। अब कलरिंग पार्ट के लिए आई बटन पे आप क्लिक करके देख सकते हैं वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस इस पेंटिंग ट्यूटोरियल का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच।